भगवान, आज हम लोग धातु रूप बनाएंगे और धातु रूप में पुरुष और वचन का ध्यान रखेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष बताए गए हैं। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन कहते हैं, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन कहते हैं। कुछ लोग फर्स्ट को प्रथम बूझ करके भटकने लगते हैं, सो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट यानी उत्तम। अब उत्तम पुरुष में क्रिया और कर्ता को समझना है। उत्तम पुरुष में तीन ही कर्ता है, अहम, आवाम और वयम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से। ये तीनों कर्ता हो गए, अहम, आवाम, वयम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अपने अपने स्थान के कर्ता हुए। अब इसके लिए क्रिया, पठामी, पठावा, पठाम, गच्छामि, गच्छावा, गच्छाम, यानी आमी, आवह, आम। अहम के लिए आमी वाला, आवाम के लिए आवह वाला और वयम के लिए आमह वाला क्रियापद फिक्स है, तय है, निश्चित है। इसको ऐसे ही मिलाना चाहिए, तब आपकी रचना शुद्ध और फलदायी होगी। अब मध्यम पुरुष में आइए, त्वम, युवाम और युयम, ये तीनों एक बार और समझिए। त्वम, युवाम और युयम, ये तीनों मध्यम पुरुष के क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कर्ता होंगे। इसमें चौथा कोई वर्ड नहीं आएगा। अब इनके लिए क्रिया चाहिए, ये कर्ता के स्थान पर होंगे, त्वम, युवाम, युयम। और जब इनके लिए क्रिया चुनना होगा, एक वचन वाले त्वम के लिए सी वाला, पठ से, गच्छ से, खेल से। युवाम द्विवचन के लिए थ वाला, पठ थ, खेल थ, हस थ। और युयम के लिए बहुवचन वाला, पठ थ, हस थ, खेल थ। इस तरह से छः के लिए छः कर्ता हो गए। और अब चलिए प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। तो ती, त, अंति, बालक, पठति, बालकौ, पठत, बालका, पठंती, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए पठती, पठता, पठंती। और इनकी संख्या अनंत है, केवल वचन देखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन वाले के लिए ती, द्विवचन वाले के लिए तह और बहुवचन वाले के लिए अंति वाला क्रियापद जोड़ेंगे, आपका वाक्य सही होगा। अब देखिए धातु रूप, प्रथम पुरुष के तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी ती, त, अंति, सी, थ, थ, अस्मि, आमि, आवा, आम, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठथा, पठामि, पठावा, पठाम, पिबति, पिबता, पिबन्ति, पिबसि, पिबथा, पिबथा, पिबामि, पिबाव, पिबाम, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथा, तिष्ठथा, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। इस तरह से आमी, आवा, आम, सी, था, पीत, अंति क्रियापदों की रचना हुई। श्याम पट से देखिए अब इनका वाक्यों में प्रयोग, वाक्येषु प्रयोग, एक वचन में और बहुवचन में और तीनों पुरुषों में। तो छात्र शब्द संज्ञा है, छात्र, देखिए ती वाला है, एक वचन, छात्र, छात्र द्विवचन नहीं दिए, छात्रा बहुवचन। अंति वाला, संति, पठंती, हसंती, गायंती, खेलंती, गिरंती। अब मध्यम पुरुष नहीं, त्वम, असी, पठसी, हससी, तो सी वाला, त्वम के साथ सी वाला। और युवाम छोड़ दिए, द्विवचन, बहुवचन, शथ, पठथ, हसथ, सी, थ। उसी तरह से उत्तम पुरुष वाला, आमी, आवह, आवह छोड़ दिए, आम, अहम और वयम, इस तरह से हसामी, हसाम। ये वाक्यों के प्रयोग में सावधानी बरतेंगे और आगे कोई नया लकार जब आएगा
तो पुरुष वचन का यही नियम, क्रियापद का यही स्थान, कर्ता चुनने का यही नियम, क्रिया चुनने का यही नियम लागू करेंगे, आपका वाक्य सही होगा और परीक्षा में भी इसी आधार पर आपके वाक्य शुद्ध उतरेंगे। नहीं तो अशुद्धि संशोधन और मिलान, रिक्त स्थान भरना, विकल्प चुनना इत्यादि जो कार्य होंगे आपके गलत हो जाएंगे। याद रखिएगा ये मध्यम पुरुष त्वम त्वम जुवाम जुयम अहम उत्तम पुरुष अहम अवाम वयम अहम अवाम वयम, इस क्रिया के लिए अहम, पठाने के लिए अहम, पठाओ के लिए अवाम, पठामा के लिए वयम, ये सीधे चलता जाएगा। इस तरह आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, मन स्थिर करके श्रद्धावान बन करके आपको ये समझ में आ जाएगा। और पुस्तक की पंक्तियाँ पढ़ा कीजिए, कर्ता क्रिया समझा कीजिए, ऐसा करेंगे तो आपका ज्ञान बहुत सुंदर साफ एकदम निर्मल हो जाएगा। धन्यवाद। इसको होमवर्क की कॉपी में फिर लिख लेंगे और आगे विस्तार देंगे, मेरे बनाए के अतिरिक्त भी आप विस्तार देने की कोशिश करेंगे, ताकि ये मैंने डॉट 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 जो दिया है इसका मतलब होता है कि स्वयं विस्तार दें। धन्यवाद।